हाँ जी, वही तो फिर से आ गए वापस। तो भाई इस बार आए जल्दी। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की, जिनके आपको भाई 100% वीज़ा चांसेस लेके चल सकते हैं। सो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, जिनको कहते हैं G8 यूनिवर्सिटी, या फिर G8 यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी, उन्हें क्या चांसेस होते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेरा नाम है अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनका वीज़ा आपको 100% मिल सकता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। हाँ जी भाई, तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको श्योरिटी देती हैं कि भाई 100% वीज़ा मिल जाएगा, अब अगर आप उनका एंट्री क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं तो। तो कुछ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जिनको कहते हैं G8 यूनिवर्सिटी, या फिर G8 यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़। तो ये कुछ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका आप अगर एडमिशन इनमें लेते हैं तो आपके पास मतलब एक सेफ साइड होती है कि भाई हाँ, आपको अगर इन्होंने COE दे दी, GT क्लियर हो गई, तो आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा। तो भाई कुछ जो है एजेंट इनका मतलब फ़ायदा उठाते थे, इनमें एडमिशन दिला देते थे, फीस भले ही ज़्यादा होती थी बट जो जाने वाला होता था तो वो फीस दे के वहाँ पहुँच के उसके बाद उसका कोर्स चेंज करवा दिया करते थे। बट अब ऑस्ट्रेलिया ने रूल्स चेंज कर दिए, आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। कौन कौन से कोर्स आप चेंज कर सकते हैं उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। सो मैं आपको बता दूं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको जो है 100% वीज़ा रेशियो देती हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ये जो है टॉप की यूनिवर्सिटी है, जो आपको जो है अगर COE दे रही है तो आपके पास 100% वीज़ा है, और इसकी रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड जो है आपको मिलेगी। इसमें सेकंड नंबर पर जो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, एंड थर्ड पे है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, फोर्थ पे है वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, मतलब ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस आपका दे रखा है सिडनी में, एंड फिफ्थ पे जो है वो आपकी है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, एंड सिक्स पे जो आती है वो आती मोनाश यूनिवर्सिटी, एंड सेवन पे आपकी जो आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एंड द लास्ट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपकी आती हैं भाई ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में, जो आपको 100% वीज़ा के चांसेस देती हैं। अगर आपको उन्होंने COE दे दी है देन आपको घबराने की कोई बात नहीं भाई, आपका वीज़ा आ जाएगा। जो लोग वेट कर रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के भाई, तो आप घबराने नहीं, आपका वीज़ा आने वाला है अगर अभी तक नहीं आया है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का वीज़ा अभी होल्ड पर है, पता नहीं क्यों, इसका रीज़न मुझे नहीं पता। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अप्लाई कर रखा है फेब से, शायद जनवरी से उसकी फ़ाइल एम्बेसी में है, तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। हाँ, मतलब एक बार रीमेडिकल करा लिया उन्होंने, और एक बार वो फ़ंड वेरिफिकेशन करा ली बैंक से, तो दोनों चीज़ें हो गई बट अभी तक डिसीजन नहीं मिला है। सो आई होप सबको वीज़ा मिल जाए, एंड ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप इनमें अप्लाई करें। इनकी एंट्री क्राइटेरिया काफ़ी मतलब ज़्यादा है, तो इनको क्वालिफाई अगर आपने कर दिया तो फिर भाई मज़े ही मज़े, आपका वीज़ा आ जाएगा। आई होप सो और सबका भी वीज़ा आ जाए। फिलहाल ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका 100% मतलब रहता है कि भाई इनकी COE है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।